हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ एक नया प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अब हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज। और कुछ नए क्वेश्चंस हैं दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़ तो रखे हैं कुछ टॉपिक्स जिनको, लेकिन आप कई दिनों से रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो रिवीजन के पर्पज से भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा पूरा देखें, लास्ट तक देखें, इन क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व करते चलें और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? और बात की जा रही है व्यक्तियों के समूह की जो कि सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से आपस में जुड़ते हैं, और इसे जाना जाता है संगठन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। और देखिए प्रबंधन क्या है दोस्तों, तो किसी कार्य को कैसे करें, करने का तरीका जो होता है वो मैनेजमेंट या प्रबंधन में आता है। और प्रशासन यानी कि किसी कार्य के व्यवस्थित पर्यावरण, किसी कार्य के करने के लिए व्यवस्थित रूप से पर्यावरण प्रदान करना प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। निम्न क्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालकों एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। शिविर के लिए जो है बात की जा रही है कि बालक एवं बालिकाओं के लिए महत्वपूर्ण अंग है। कैंप फायर इज करेक्ट आंसर। मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से होता है? ऑप्शन नंबर डी, पाचन तंत्र से मेटाबॉलिज्म का संबंध है, जिसमें एनाबॉलिज्म यानी कि कुछ सब्सटेंसेस का, केमिकल सब्सटेंसेस या बायोकेमिकल सब्सटेंसेस का बनना शामिल होता है, और केटाबॉलिज्म यानी बायोकेमिकल सब्सटेंसेस का टूटना केटाबॉलिज्म कहलाता है, और दोनों को एक साथ मेटाबॉलिज्म के रूप में जाना जाता है। शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण या अवस्थाएं हैं? ऑप्शन नंबर बी 8 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट, एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राजयोग। राजयोग एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम है। राजयोग उन्हें जागृत करने का मार्ग प्रदर्शित करता है। मनुष्य के मन को एकाग्र कर उसे समाधि की अवस्था में पहुंचाना ही का काम भी राजयोग ही करता है। नेक्स्ट, 400 मीटर ट्रैक का स्ट्रेट यानी कि जो स्ट्रेट है वो 84.39 मीटर है, तो कर्व की लंबाई कितनी होगी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 111.61 मीटर का होगा कर्व। एक कर्व की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए कमलजीत संधू ने 6th एशियन गेम्स 1970 बैंकॉक थाईलैंड में 400 मीटर दौड़ में 57.3 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट, लंदन ओलंपिक 2012 में कृष्णा पुनिया का स्थान कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी 7वां स्थान। डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पुनिया लंदन ओलंपिक 2012 के फाइनल में 7वें स्थान पे रही। हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो 7 स्पर्धाएं होती हैं दोस्तों। 2 दिन तक ये इवेंट चलते हैं। प्रथम दिन में 100 मीटर हर्डल रेस, हाई जंप, शॉर्ट पुट और 200 मीटर रेस होती है, और दूसरे दिन लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800 मीटर रेस का आयोजन किया जाता है। निम्न में से कौन सी ट्रैक एवं फील्ड शब्दावली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी फास्ट ब्रेक। फास्ट ब्रेक का संबंध बास्केटबॉल से है। इसके अलावा लैप, स्पाइक्स एवं हिट्स का संबंध एथलेटिक्स से है दोस्तों, यानी कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से है। किन्सियोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मानव क्रियाओं से किन्सियोलॉजी का संबंध है, जिसके जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। और किन्सियोलॉजी ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से लिया गया है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है गति, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि गति के अध्ययन को जो है किन्सियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। मोज के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी बर्फ से उपचार। पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की सीमा यानी ड्यूरेशन कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 20-20 मिनट, यानी कि 20-20 मिनट के लिए का ड्यूरेशन होता है, दो हाफ में खेला जाता है पुरुषों के लिए, और 15-15 मिनट के दो हाफ में खेला जाता है महिलाओं के लिए। ओके, और जिनके मध्य में 5 मिनट का ब्रेक भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया, और बात की जा रही है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रों के बीच सौहार्द समझ एवं भाईचारे को बढ़ावा एवं निर्माण देने के लिए एक बार फिर बैरन पीरेदी कुबर्टिन के द्वारा 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की गई। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहां आरंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर,
पटियाला यानी कि जो राजकुमारी अमृत कौर थी उनके सुझावों पर खेलों के विकास के लिए एक योजना तैयार की गई 1953 में, जिसका उद्देश्य विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना था और इसकी शुरुआत जो है इसका जो शुभारंभ है वो पटियाला से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि 1844 में जॉर्ज विलियम के द्वारा इंग्लैंड यानी कि लंदन में YMCA की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। और पूछा जाए कि भारत में कब की गई थी, तो 1920 में हैरी क्रोबक के द्वारा YMCA की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। कक्षा का प्रबंधन किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर डी, सिखाने वाली क्रिया के प्रकार पर। कुशल योजना प्रारंभ की जाती है, ऑप्शन नंबर ए, कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात कुशल योजना यानी कि स्किल रिलेटेड प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं। नेक्स्ट, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी के रूप में इसे जाना जाता है। और अगर बोला जाए कि अंगों की रचना के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? एनाटॉमी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, और इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में भी जाना जाता है। मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करना। निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता के गुण में कौन से शामिल नहीं होते? ऑप्शन नंबर डी, वह एक अनन्य शासक होना चाहिए। ये गुण जो है अच्छे नेता के गुण में नहीं है। इसके अलावा यानी कि डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए किसी लीडर में। इसके अलावा वह ज्ञानवर्धक होना चाहिए, उसका अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए एवं वह एक अच्छा व्यवस्थापक तथा प्रबंधकर्ता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, निम्नलिखित में से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति यानी कि प्रोलाइन स्टेज में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सलभ आसन यानी कि सलभ आसन की बात यहां पर की जा रही है। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में एमए डिग्री आरंभ की? ऑप्शन नंबर ए, LNCPE ग्वालियर में सर्वप्रथम जो है मनोरंजन में एमए की डिग्री प्रारंभ की गई थी। त्वचा फोल्ड का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सॉरी, स्किन फोल्ड कैलिपर जो है वो किसका मापन करता है ये पूछा जा रहा है। त्वचा फोल्ड किसका मापन करता है? शारीरिक बनावट यानी कि बॉडी कंपोजिशन का मापन करता है स्किन फोल्ड कैलिपर। मालिश का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर यानी कि त्वचा पर और रक्त परिसंचरण तंत्र पर और जो मस्कुलर सिस्टम है इन सभी पे जो है मालिश का प्रभाव पड़ता है। कृष्णा पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन नंबर सी, तस्त्री फेक से कृष्णा पुनिया का संबंध है यानी कि वह एक डिस्कस थ्रोअर है। आप सभी को पता है दोस्तों 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में डिस्कस थ्रो को फेंक कर स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है वो कृष्णा पुनिया ही है। अपूर्वी चंदेला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो निशानेबाजी से अपूर्वी चंदेला का संबंध है। इन्होंने भी 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी ग्लासगो में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में जो है 206.7 का स्कोर बनाकर भारत को दूसरी बार निशानेबाजी में स्वर्ण पदक दिलाया था। क्लासिकल एज का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, स्पार्टा पीरियड को क्लासिकल एज के रूप में जाना जाता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है। साइक मींस आत्मा और लोगोस मींस अध्ययन यानी आत्मा के अध्ययन के रूप में सबसे पहले इसे जाना जाता था। खाली समय का सदुपयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी, पिकनिक में। गति के विकास की विधियां कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर सी, दोनों यानी कि एक्सीलरेशन रेस और पेस रेस, दोनों का संबंध त्वरण दौड़ और पेस दौड़ दोनों का संबंध गति के विकास से है। स्टर्नम हड्डी कहां स्थित होती है? तो पसलियों के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक। शुद्धिकरण क्रियाएं कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, षटकर्म। शुद्धिकरण की क्रिया को षटकर्म भी कहते हैं और यह छह तरह की होती है, नेति, धौती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। इसे छह भागों में बांटा गया है। रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशियां घूमती हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्योली में रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशियां घूमती हैं। ओके,
न्योली में आगे झुककर पेट निकालकर दाएं से बाएं रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स को घुमाया जाता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सभी को पता है कि गति के अध्ययन को किनेसियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्न संस्थाओं को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ओके, तो देखिए क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यानी कि सबसे पहले 1920 में YMCA की स्थापना हुई, उसके बाद 1931 हैदराबाद में हुआ राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय की स्थापना हुई, उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1932। ओके, और फिर शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कांदिवली मुंबई 1938। तो ये जो है घटते से बढ़ते क्रम में हमने इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अधिकतर उत्तोलक किस तरह के पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, त्रिश्रेणी उत्तोलक। मनोमूल्यांकन का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सिगमंड फ्रायड इज करेक्ट आंसर। वॉलीबॉल में सिर से ऊपर, ऑप्शन नंबर सी, दोनों हाथ की उंगलियों का प्रयोग होता है। फिंगरिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। यह जीवन की योग्यता है जो एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने व उत्तम सेवा के लायक बनाती है। किसने स्वास्थ्य को इस तरह से परिभाषित किया? J.F. विलियम इज करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और देखिए क्या है सही आंसर, आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। शारीरिक क्षमता का संबंध जो है वो क्या है? बिना थके रोजाना के कार्य करने की योग्यता है, फिजिकल फिटनेस। मूल्यांकन इकट्ठे किए गए आंकड़ों के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है, परीक्षण। ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट हियर, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया है, और मापन सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, नीचे दो अभिकथन दिए हैं, अभिकथन और तर्क को आपको पढ़ के बताना है और देखिए क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे। देखिए सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि सुदृढ़ शरीर के साथ उपयुक्त कार्य क्षमता ही स्वास्थ्य की आधुनिक विचारधारा है। सुदृढ़ शरीर के साथ उपयुक्त कार्य क्षमता की स्वास्थ्य की आधुनिक विचारधारा है, यानी बोला जा रहा है कि अगर हमारा शरीर जो है वो सुदृढ़ है तो हम स्वस्थ हैं। क्या ये आधुनिक धारणा स्वास्थ्य की सही है? तो ये सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ शरीर के सुदृढ़ होने से हम स्वास्थ्य के दायरे में नहीं आते। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर तरह से स्वस्थ होने पर ही एक व्यक्ति को स्वस्थ समझा जाता है। स्वास्थ्य एक संपूर्ण कल्याणकारी अवस्था है, ये सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि ए असत्य है, परंतु आर जो है वो सत्य है। नेक्स्ट, कौन सा अंग बाइल का सिक्रीशन करता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत इज करेक्ट आंसर, लिवर। इनमें से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम सीखने का नियम नहीं है। इसके अलावा प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम व अभ्यास का नियम सीखने के नियम में शामिल किया जाता है। शारीरिक शिक्षा का होलिस्टिक कार्यक्रम विद्यमान है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों के पाठशाला के अनुभव में। एफ परीक्षण किसकी तुलना में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी दो से अधिक चरों में एफ परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से कौन सा इवेंट संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी पेनी कप परीक्षण का संबंध जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से नहीं है। इसके अलावा फील्ड गोल स्पीड परीक्षण, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी परीक्षण और ड्रिबल संबंधित हैं जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से। हवा में शरीर का अपने काल्पनिक कक्ष के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी घुमाव के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के टक्कर में दो शरीर संघात के पश्चात अलग नहीं होते? ऑप्शन नंबर बी पूर्ण यानी कि सही बिलोच टक्कर में, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में दो शरीर संघात के पश्चात अलग नहीं होते। मानव कंकाल में सबसे बड़ी संधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए घुटना संधि, नी ज्वाइंट की बात की जा रही है। शारीरिक कार्य के दौरान ऊर्जा खपत, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा की लागत इस करेक्ट आंसर। शारीरिक कार्य के दौरान एनर्जी कंजप्शन को ऊर्जा की लागत यानी कि एनर्जी कॉस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, देखिए खेल समाज शास्त्र संभालता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, टीम सामंजस्य को। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी रक्त को, हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, प्राण वायु को खींचना एवं साथ लेकर जाना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है और सही मिलान हम आपको बता देते हैं।
दैट हिंज ज्वाइंट का संबंध जो है वो नी ज्वाइंट से नी से है, पाइवट ज्वाइंट का संबंध जो है वो सिर से है, ग्लाइंडिंग ज्वाइंट का संबंध टॉर्सल हड्डी से है और सैडल ज्वाइंट का संबंध, सॉरी ग्लाइंडिंग का संबंध जो है वो टॉर्सल से है और सैडल का संबंध जो है वो कलाई से है, यानी कि कलाई में यानी कि घुटने सॉरी अंगूठे से है, सैडल ज्वाइंट अंगूठे में पाई जाती है, पाइबर्ट सिर में और हिंज ज्वाइंट घुटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लचीलेपन को गोनियोमीटर से मापा जाता है, सही है, कथन सही है, और लचीलेपन को बैट एवं पहुंच यानी सिट एंड रीच से मापा जाता है, ये भी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ए एवं आर दोनों सही है। लॉन्ग जंप के फेजेस को गलत ढंग से बताया गया, आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, यानी सबसे पहले होगा दृष्टिकोण, नंबर टू पे होगा टेक ऑफ यानी कि उड़ान यानी फ्लाइट से फ्लाइट से मतलब है, थर्ड नंबर पे भी देखिए उड़ान है और दो नंबर पे उड़ना है और फोर्थ नंबर पे लैंडिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो किसके जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो आदर्शवाद, विटामिन डी का क्रियाशील रूप कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी कैल्सिफेरॉल इज करेक्ट आंसर। कौन सी प्रतियोगिता में नकारात्मक सहसंबंध का तात्पर्य बेहतर परिणाम है, ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर दौड़ में नकारात्मक कोरिलेशन का मतलब कि अच्छा परिणाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी इवेंट 2016 के समर ओलंपिक में नए ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड नहीं बना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 100 मीटर फ्री स्टाइल पुरुष में जो है ग्रीष्म ओलंपिक 2016 में तैराकी में 100 मीटर फ्री स्टाइल पुरुष में विश्व रिकॉर्ड नहीं बना था। नेक्स्ट, 2017 के द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से कौन प्राप्त किसने प्राप्त नहीं किया है, ऑप्शन नंबर डी श्री GSSV प्रसाद को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। इसके अलावा देखिए आपको बता दें, नागपुरी रमेश, सागरमल दयाल एवं महावीर सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2017 में। कौन सी मांसपेशी कोहनी को बढ़ाती है, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो में हेल्प करती है, कौन सी मसल, ऑप्शन नंबर बी ट्राइसेप्स की बात की जा रही है और बाइसेप्स उनको जो है मोड़ने का काम करती है यानी कि उनके फ्लेक्शन में हेल्प करती है। जब परीक्षण के पक्षपात या व्यक्तित्व फैसले से टेस्ट स्कोर प्रभावित नहीं होता तो उस टेस्ट को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्टिव टेस्ट के रूप में इसे जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव परीक्षण में जब परीक्षक के पक्षपात या व्यक्तिगत फैसले से टेस्ट स्कोर प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट, फुटबॉल खेल में कितनी बार टाइम आउट के लिए अनुमति है, तो जीरो यानी कि कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता फुटबॉल में। अगर टीम के श्रेष्ठ प्रदर्शन से किसी खिलाड़ी की घटिया प्रदर्शन छिप जाता है तो यह किसका उदाहरण बनता है, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक ल्यूफिंग के रूप में इसे जाना जाता है। अभिप्रेरणा के प्रकार निम्न में से कौन से हैं, ऑप्शन नंबर डी एक और चार, बाह्य अभिप्रेरणा एवं आंतरिक अभिप्रेरणा इस करेक्ट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को किस स्वास्थ्य के कौन कौन से भाग बताए हैं, तो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक, दो कथन दिए हुए हैं, आपको कथन अच्छे से पढ़ना है और बताना है सही आंसर। तो क्या होगा देखिए, नंबर एक कथन दिया है कि मुड़ने के दौरान टकने पर सूजन आने पर चोटिल भाग को ऊपर उठाने से सूजन पर नियंत्रण पाया जा सकता है, सही है, और चोटिल भाग को हृदय के स्तर से ऊपर उठाने पर रक्त एवं तरल पदार्थ का निकास रक्त द्वारा चोटिल भाग से किया जा सकता है, तो उपयुक्त दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, शरीर में विटामिन और मिनरल का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, साधारण वृद्धि, विकास और उपापचय को प्राप्त करना। सामाजिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति इज करेक्ट आंसर। मनुष्य के सामाजिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण कारक है, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत। फुटबॉल के खेल में कितने नियम है, तो 17। सार्कोप्लाज्म कहां पाया जाता है, देखिए तो मांसपेशी कोशिका में। जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एट्रोफी के रूप में इसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस तकनीक में कार्य और पूर्व स्थिति बहाल होने के निर्धारित चरणों पर बल दिया जाता है, ऑप्शन
नंबर सी मध्यांतर प्रशिक्षण यानी कि टेरेसा ट्रेनिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। अंतराल प्रशिक्षण को ही मध्यांतर प्रशिक्षण या टेरेस ट्रेनिंग के रूप में जाना जाता है। एलाइजा जांच किसके पता लगाने के लिए किया जाता है, तो HIV संक्रमण के लिए, जब एक खिलाड़ी की क्षमता के हिसाब से प्रशिक्षण भार ना तो इतना कम और ना ही इतना ज्यादा हो तो उसे किस रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इसे ऑप्टिमल लोड के रूप में जाना जाता है। खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए गए नार्कोटिक्स के विभिन्न प्रकार जो कि ओपियम तथा पॉपी प्लांट से लिए जाते हैं वास्तव में उनके लिए किस रूप में कारगर सिद्ध होते हैं, ए यानी कि दर्द विरोधी दवा के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को क्या कहते हैं, इसे एक्लिमेटाइजेशन के रूप में जाना जाता है, कौन सी लचीलेपन की प्रशिक्षण विधि जो कि मांसपेशियों के रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों की रेंज को बढ़ाने में सहायता करती है, ऑप्शन नंबर सी प्रोप्रियोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का कुल जोड़ है, ओवर ट्यूफर अनुभवों का कुल जोड़ है जो कि एक व्यक्ति में क्रियात्मक कार्यों से आते हैं। निम्नलिखित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करते हैं, नियमित व्यायाम कोलेस्ट्रॉल पर क्या इफेक्ट डालते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, HDL की मात्रा को बढ़ाते हैं और LDL की मात्रा को कम करते हैं। खेल मनोवैज्ञानिक समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीकों का उपयोग करते हुए खिलाड़ी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू जानने का प्रयास करते हैं, ऑप्शन नंबर सी अंतर व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। हृदय की दीवार का मध्य कोट कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी मायोकार्डियम। आफर्ड परीक्षण युवा टेस्ट में टेस्ट किसकी माप करने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी मोटर फिटनेस इज करेक्ट आंसर। अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस इज अ मोटर फिटनेस टेस्ट। इंसुलिन का स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है, पेंक्रियास की बीटा सेल्स के द्वारा। भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, 2005 में की गई थी और वाडा की स्थापना 1999 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विटामिन ए का प्रचुर स्रोत निम्न में से कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी खुबानी एप्रीकॉट इज करेक्ट आंसर। प्रोटीन किसको मजबूत बनाता है, तो पेशी ऊतक को मजबूत बनाता है। पावर ऑन एक्सप्लोजिव के लिए प्रशिक्षण विधि क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी प्लायोमेट्रिक्स इज करेक्ट आंसर। मानव शरीर में हिंज संधि किस भाग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए कोहनी में पाई जाती है और घुटने में भी पाई जाती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। देखिए ग्लूकोज का संबंध ब्लड सुगर लेवल से है, हीमोग्लोबिन का संबंध RBC से है, डायफ्राम का संबंध रेस्पिरेटरी मसल से है और जो हृदय है उसका संबंध चैम्बर से है। नेक्स्ट हृदय वाहिका सहन शक्ति क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर सी YB शक्ति यानी एरोबिक शक्ति के रूप में कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को जाना जाता है। मानव मनोविज्ञान किसके अध्ययन तक सीमित होता है, ऑप्शन नंबर डी एक और दो दोनों यानी कि आचरण एवं मनोवृत्ति के अध्ययन तक सीमित होता है। निम्नलिखित में से किस काल में प्राण और नाड़ियां चर्चा के महत्वपूर्ण विषय है और योग शब्द का प्रयोग तकनीकी अर्थ में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी पौराणिक काल इज करेक्ट आंसर। मैराथन दौड़ की कुल मानक दूरी कितनी होती है, तो 42.195 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर, 26 मील 385 गज। ऐसा कहा जाता है कि बर्गर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किस प्रकार की प्रतियोगिता की कल्पना की थी जिसे बर्गर सिस्टम भी कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीग सिस्टम या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। और होमवर्क क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे कि योग के एक तत्व के रूप में आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होती, उसे किस रूप में जाना जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है।